भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव बलिया पहुंचे। अखिलेश यादव की सभा में ऐसी अफरा तफरी मची कि स्थिति संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभा वाले मंच पर भी स्थिति बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को मंच पर मौजूद नेताओं को नीचे धकेलना पड़ा। दरअसल अखिलेश के साथ मंच साझा करने के लिए मंच पर नेताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हाथ जोड़कर कुछ नेताओं को नीचे उतारा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का संबोधन खत्म होने के बाद कार्यकर्ता बैरिगेड तोड़कर अखिलेश यादव के पास पहुंच गए। यहां तक कि अखिलेश यादव को मंच से अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। खैर, फेफना विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि 5 चरणों का मतदान हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन सबसे आगे है। मुझे पूरा भरोसा है कि छठे चरण में बलिया की जनता भाजपा को छाट देगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान बताएं कि क्या किसी की आमदनी दोगुनी हुई है? क्या किसानों को खाद मिली? क्या समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदी गई? अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा, अब तो भाजपा के सहयोगी भी जान गए हैं कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।